जी हाँ तो बहनों भाइयों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आप देख सकते हैं ये वही माइनक्राफ्ट है जो हम पहले खेला करते थे, जिसमें हम डीप डीप केव्स के अंदर गए थे, वहां से गोल्ड लेकर आए थे, माइनशाफ्ट के अंदर गए थे, मगर उस केव ने इस माइनक्राफ्ट में धोखा दे दिया यार। माइनक्राफ्ट करप्ट हो गई, जिसका मतलब हमारे सारे वर्ल्ड भी डिलीट हो गए। ये वर्ल्ड वो नहीं है, ये मेरा एक बाय करके रखा था, ये फ्री का वर्ल्ड आता है। कोई बात नहीं, हम दोबारा उठेंगे। माइनक्राफ्ट करप्ट हो गई तो क्या, हाँ दुनिया थोड़ी ख़त्म हो गई, हम दोबारा उठेंगे। दोबारा उठने से पहले मुझे एक चीज़ करनी है। ओ भाई, ओ मुझे एक चीज़ करनी है यार। ओके हाँ मिल गई। सॉरी, मैं नेम वाले सेक्शन को ढूंढ रहा था। हाँ, मैं ब्लाइंड हूँ। वी विल राइज अगेन। हाँ मुझे पता है, मैं लिखने में बहुत सारी गलतियाँ करता हूँ। वी विल राइज अगेन। हम दोबारा उठेंगे। माइनक्राफ्ट हमें माइनक्राफ्ट खेलने से नहीं रोक सकती। हम खेलते रहेंगे। वी विल राइज अगेन, और बहुत जल्द माइनक्राफ्ट के विदर स्ट्रॉन्ग। हाँ, हम एंड को भी ड्रैगन में आ रहा हूँ यार। ये कह रहा है गोल्ड इज वेरी कॉमन इन मेसा बायोम्स, तो आई होप मैं मेसा बायोम्स में ही स्पॉन हो जाऊँ, ताकि यार थोड़ा अच्छा लगे यार मेसा बायोम्स। फिर तो पोशंस की कोई कमी नहीं, मतलब इन्फिनिट। गोल्ड इज़ वेरी कॉमन इन मेसा बायोम्स। तो भाई और बहनों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम एक मरतबा फिर से माइनक्राफ्ट की दुनिया में आ चुके हैं। हम एक मरतबा फिर से उसी टाइप की एक जगह में स्पॉन हुए हैं। सच्ची में मैं बताऊं तो मुझे लिटरली कोई डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा, मुझे कोई भी डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा। ओके, सबसे पहले तो देखो, स्टार्टिंग में भी हमें पहले हनी भी मिली थी, अभी भी हनी भी ही मिली है हमको। तो हाँ, ओ यस, इसी की तलाश थी मुझे, क्योंकि जैसे ही हम घर बनाएंगे यार, मतलब पहले ही फिर ना। ओके, सो आई एम वेरी लकी। बस वो क्या है, वो कौन सा स्ट्रक्चर है। ओके, सो आई एम वेरी लकी मैन, आई एम वेरी लकी कि मुझे पहले ही भाई साहब विलेज मिल गया। माइनक्राफ्ट में आते ही विलेज इट्स प्रीटी हेल्पफुल यू नो। तो अब जल्दी से ये डीफॉरेस्टेशन कर लेते हैं थोड़ी सी, और क्योंकि विलेज पास ही है अपने, तो हमें कोई टेंशन भी नहीं है, इतना बड़ा ट्री मिल गया। जल्दी से एक वुडन एक्स बनाते हैं, और मेरे सामने ही केव्स भी हैं, तो चलो जल्दी से यार क्राफ्टेबल करते हैं ना सारी। यस, अब ये बना लेते हैं, स्टिक्स थोड़ी सी बना लेते हैं। ये आयरू मेरे पास आ रहा है, ये आयरू मेरे पास आ रहा है। मर जा, मेरे पास मत आई, वो अभी तो मैंने गेम स्टार्ट की है। चल अपने पास ही रख अपना सड़ा हुआ मांस। ओके, तो जी हाँ,
तो अब हम जल्दी से एक एक्स बना लेते हैं। ये बन गई हमारी एक्स। ओके, तो एक एक्स काफ़ी। असली में रेसिपी बुक हम खोल के ही रखते हैं। ये हमारी एक शॉट बन गई। चेस्ट बहुत ज़रूरी है। ये गया हमारा क्राफ्टिंग टेबल। अब जल्दी से ये दरख्त को डीफॉरेस्ट कर लेते हैं। यार डीफॉरेस्टेशन थोड़ी सी अच्छी होती है माइनक्राफ्ट की दुनिया में। ओके, देयर वी गो। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन बेबी। यहाँ पर भी तो रात गुजारने की तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि वो जो पिछला वाला वर्ल्ड था उसमें केव्स बहुत अच्छी थी। मैं बहुत लकी था। अगर मैं गलती से नीचे भी आ जाता था माइनक्राफ्ट में तो मुझे एग्ज़िट मिल जाती थी। तो मतलब उसी तरह लकी मैं। भाई यकीन मानो मैं माइनक्राफ्ट खेलता हूँ। मैंने वीडियोस नहीं बनाई थी। मैंने काफ़ी बार खेल लिया, काफ़ी बार क्रिएटिव में भी इसको कंप्लीट किया है एंडर ड्रैगन को मार के, और सर्वाइवल में भी एंडर ड्रैगन को मार के मैंने कंप्लीट किया। इतना लकी मैं आज तक नहीं हुआ। ये वीडियोस जब मैं बना रहा हूँ भाई, मैं बहुत लकी हो रहा हूँ। मतलब मैं सोच भी नहीं सकता था कि मुझे भाई स्टार्टिंग में ही विलेज मिल जाएगा, स्टार्टिंग में ही केव मिल जाएगी, स्टार्टिंग में सैंड मिल जाएगी। थोड़े ब्लॉपर्स हो रहे हैं भाई। स्टार्टिंग में सैंड मिल जाएगी और भी बहुत कुछ। ब्रो आई एम सुपर लकी इन माई माइनक्राफ्ट वर्ल्ड, इन माई माइनक्राफ्ट वर्ल्ड। देयर वी गो। और ये देखो, एक और केव हमें मिल चुकी है। तो हमें अब करना ये है कि हमें अब जल्दी से अपने लिए एक पिकैक्स बनाना है। कोबल स्टोन भी ले चलते हैं ना। ये रहा पिकैक्स। जल्दी से स्टोन। और भाई ये इसमें असेंड और डिसेंड होना भी बहुत इजी है, और क्योंकि ये बहुत डीप है तो कोल और आयरन की बहुत ज़्यादा संभावनाएं बढ़ जाती हैं, उम्मीदें बढ़ जाती हैं। तो शायद मुझे कोल और आयरन यहीं पर मिलने वाला है। ओके ओके, कभी कभी ग्लिच हो जाता है। एक मिनट, एक ज़ॉम्बी ने मुझे इतना सारा एक्सपी दिया, इतना सारा एक्सपीरियंस लेवल दिया भाई साहब। ओके, तो रात भी होने वाली है। चलते हैं, जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर। तो वीडियो कितनी लंबी हुई है। ओ भाई साहब, हेलो भाई साहब। हाँ जी, 8 मिनट समथिंग हुई है अभी वीडियो। मेरा क्राफ्टिंग टेबल का वो रहा। मैं देखो माइनक्राफ्ट में आते ही ग्लिचेस। वाओ, इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। चलो ये क्राफ्ट कर लेते हैं और अब इसे भी तोड़ लेते हैं। स्टोन तो अपने पास है। स्टोन की सबसे ज़्यादा चीज़ें मैं बनाता हूँ स्टोन की। अरे डंकी, सैपलिंग्स। भाई चलते हैं ना उसी गांव में, फिर बसेरा करते हैं उसी गांव में अपना। मैं आ गया। आई होप ये डेड विलेज ना हो। यस, ये डेड विलेज नहीं है। जिनको डेड विलेज का नहीं पता मतलब उन्होंने माइनक्राफ्ट नहीं खेली। अगर खेली, सॉरी भाई, अगर किसी को हर्ट हुआ और उन्होंने माइनक्राफ्ट खेली, उनको डेड विलेज का नहीं पता। तो डेड विलेज असल में वो विलेज है जहाँ पर ज़ॉम्बीज रहते हैं। वो विलेज बिल्कुल डेड हो चुका है, बिल्कुल बिल्कुल डेड हो चुका है। वाओ भाई साहब, ये बहुत ज़्यादा सूटेबल जगह हमें मिल चुकी है। यहाँ पर सैंड भी है। तो भाई साहब आर्किटेक्चर देख रहे हो इनका। वाओ अमेजिंग यार। हेलो, ओ भाई टू साइड गेट वे भाई। बंद, ओ बैरल क्या खाली पड़ा है यार। अच्छा तुम सर ऐसा कर दो, बैरल दे। हाँ ट्रेडर, मैंने फार्मर, मैंने तेरा फार्मर जो भी है तू विलेजर। हाँ बेड की हमें बहुत ज़रूरत है, बेड की हमें बहुत ज़रूरत है, बेड की हमें बहुत ज़रूरत है। ये रहा हमारा वाइट बेड। ओके, तो हम ये देखो भाई साहब, मैं कितनी सूटेबल जगह पर स्पॉन हुआ हूँ यार।
भाई साहब कितनी, घर बहुत तंग तंग है यार इनके। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, घर तंग तंग है तो क्या, यहाँ पे ब्रूइंग स्टैंड जरूर मिलेगा मुझे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ब्रूइंग स्टैंड यहाँ पर। यार ये आई हेट पार्कोर्स, यू नो आई हेट पार्कोर्स। अब मैं ऊपर कैसे चलूँ, प्लैंक्स शेट ओके नहीं रख रहा ये ओके। तो फाइनली हम बाहर आ चुके हैं। यार तुम्हें इतना नहीं पता कि यहाँ पे, यार ये लोग कैसे जाते होंगे। हाँ जी क्या, चलो भागो यहाँ से। क्या भाई एमी ब्रूइंग स्टैंड, ये देखो ब्रूइंग स्टैंड, ये बहुत, मैं बहुत लकी हूँ बहुत ज़्यादा। ऊपर क्या, कुछ भी नहीं, ऊपर भी कुछ हो सकता है। असल में शॉर्ट पकड़ लेते हैं ओके। तो ओ भाई साहब वो मज़ेदार, बहुत अच्छा लगा। ये घर थोड़ा बड़ा लग रहा है, ये किसका घर है मेरे ख्याल से पता नहीं है, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं माइनक्राफ्ट में इतना प्रो नहीं हूँ। कौन है भाई तू, कौन है तू, मुझे नहीं पता ये कौन है। क्लियर ओके, तो सर जी आप जाके अपना काम कीजिए। चेस्ट ओ थैंक यू, चलो ब्रेड भी आ जाओ, लेदर बूट्स भी आ जाओ, लेदर बूट्स को भी रख लेते हैं। ओ भाई ये क्या है, ये मुझे पता है क्या है, प्लीज़ मुझे तोड़ने दो प्लीज़। स्मूथ, मुझे लगा ये आयरन ब्लॉक है। चलो अरे यार आप, सॉरी मैंने आपकी डेकोरेशन ख़राब कर दी, मैं आपकी फिर से डेकोरेशन वहीं पर देता हूँ। ले लो, दरवाज़ा बंद कर दिया, मुंह पे दरवाज़ा बंद कर दिया, तमीज़ नाम की चीज़ नहीं है। लेकिन यहाँ पे काफ़ी यार पानी वानी सा है, तो मतलब इन्होंने वेल सेटल नहीं किया, रात हो रही है सो जाते हैं, वेल सेटल नहीं किया इन्होंने अपने आप को ना, मतलब इन्होंने अच्छी तरह वीडियो नहीं बनाई, वीडियो नहीं बनाई अच्छी तरह, इन्होंने अपना विलेज को वेल सेटल नहीं किया। यहाँ पे गैप्स हैं, इतने सारे खड्डे हैं, वाटर सोर्स अच्छी बात है इन्फिनिट वाला। मुझे कुछ जगह चाहिए गांव से बाहर, थोड़ी गांव के अंदर भी बाहर भी। ओ यस शुगर केन मुझे दे दो, ये सर जी मुझे दे दो भाई, पूरी की पूरी नदी है ये, और ये बिल्कुल अंडरग्राउंड बेस्ड है, और मेरे पास कोई पोशन और शर्ट जाने वाला है, जाने वाला है, जाने वाला है, जाने बच गया, मुझे खुद नहीं पता मैं कैसे बाहर आया लेकिन आ गया। एक और ब्रूइंग स्टैंड, ब्रूइंग स्टैंड की तो भाई साहब क्या ही बात है, डबल गेट, ज़्यादा अमीर है ये तो, बहुत ज़्यादा अमीर है। ओ हेलो ब्लास्ट फर्नेस, वाओ, तो एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये क्या, पोटैटो, यस फार्मिंग भी, कैरेट्स भी, ओ वीट, सब कुछ है अपने पास सब कुछ। मैंने तोड़ लिया आपके आलू, कोई बात नहीं, आप आपके पास तो इन्फिनिट सीड्स होते हैं भाई, आलू शालू सबके सबके इन्फिनिट सीड्स होते हैं इनके पास। चलो ओ यस, ये मेरी छलांगे, यहाँ पे आ गया थोड़ा अच्छा लग रहा। अरे यार इनको तो वाओ, ये विलेज काफ़ी अच्छा है, मुझे काफ़ी कुछ, अरे हटना आयरन गोलम मारेगा फिर मुझे अगर यहाँ पे, वैसे गोलम नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे गोलम नहीं है, ये घर थोड़ा अमीर लग रहा है। अरे यार स्टोन कटर, ये कैसा है यार अमीर घर है, सारा विलेज इस तरह का है। तो अभी मुझे क्या करना है, ओ वो अंडरमैन घूम रहा, वो अंडरमैन, वो
रुक जाओ, वो एंडरमैन का पूरा एंडरमैन, मैं सेटिंग वेटिंग थोड़ी चेंज कर लूँ यार, रुको सेटिंग वेटिंग थोड़ी चेंज करके आ लूँ, जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर। गाइस ये मैंने आपके सामने वर्ल्ड बनाया है, तो भाई साफ बनता ही नहीं कुछ आपका कहना। ओके स्प्लिट कंट्रोल्स टच ऑन योर फिट हॉट बार, क्या करती है मैंने माइनक्राफ्ट जावा एडिशन बना दिया पूरा। लेफ्टी इसका मतलब मुझे लगा था ये हाथ, ये लेफ्ट हैंड से चीजें पकड़ेगा, मुझे क्या पता था स्वॉप ही हो जाएगा पूरा कंट्रोल बार। चलो छोड़ो यार जो भी था, हम अब ये थोड़ा खाना पानी ले लेते हैं, मैं आपको मिलता हूँ बहुत सारे वुड कलेक्ट करने के बाद, पर उससे पहले हम यहाँ पर सैपलिंग लगा देते हैं अपने जो थे वो कोऑर्डिनेट्स हैं 206। अरे यार अभी याद रख लेते हैं यार, क्या इतना दूर थोड़ी जाना हमने, वंडरमैन भी यार ये मैं कर कह रहा हूँ यार मैं अपनी ज़िंदगी के साथ। और कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 3, 7, 64, 1, 8, 8, बहुत ही सिंपल कोऑर्डिनेट्स हैं। मुझे अभी इस वक्त बकरी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि खाना ऑलरेडी विलेज के अंदर बहुत सारा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सब विलेजर्स का चुराएंगे। वी विल राइज अगेन इसका मतलब हम अपनी खुद की फार्मिंग करेंगे, फार्मर्स की फार्मिंग चुरा कर। और मैं लिटरली बताऊँ तो वो वर्ल्ड डिलीट हो गया, मुझे खुशी हुई, उसमें मैंने कलेक्शन तो बहुत ज़्यादा की थी मगर ये देखो कितनी सूटेबल जगह है यार, यहाँ पर बहुत सारा वुड है, वुड तो वहाँ वुड वहाँ पर ज़्यादा था, वुड वहाँ पर बहुत था, लेकिन भाई देखो तो ज़रा कितनी ज़्यादा सूटेबल है, मतलब कोई टेंशन ही नहीं यार, रेट पड़ेगी मैं इन सबको बचा कर ले सकता हूँ यार। और टेक्सचर्स मेरे पहले से अच्छे हो रहे हैं, मुझे फील सी आ रही है कि मेरी जो पुरानी माइनक्राफ्ट की सीरीज थी उससे अच्छे टेक्सचर्स मेरे अब हैं। ओके तो मुझे भूख भी लग रही है, खाने के लिए तो मेरे पास ब्रेड है ना मेरे पास, ये पहन लेता हूँ लेदर बूट्स। अरे तो कितनी प्रोटेक्शन मिली यार देखो ज़रा, ओके तो अब हम अपना क्राफ्टिंग टेबल कहाँ गया, ये रहा भाई, इतनी बड़ी इन्वेंट्री है माइनक्राफ्ट की तो टाइम लग जाता है ढूंढने में। हम बनाएंगे ऑब्वियसली स्टोन एक्स, क्योंकि ऑब्वियसली यू नो स्टोन इज फास्टर देन वुड, दैट्स व्हाट। तो हम ठीक यहाँ पर बनाएंगे, मुझे फील नहीं आया कि मैंने जंप मारा क्यों, हमें बहुत सारा वुड, अरे मैं तो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हाँ मैं आपको वुड कलेक्ट करने के बाद मिलता हूँ। जी हाँ तो गाइस ऑलमोस्ट हमने 3 stacks जमा कर लिए और हमें कुछ और सैपलिंग्स मिले हैं, ऑब्वियसली अगर हम ट्रीज काटेंगे हमें सैपलिंग्स भी मिलेंगे और टोटल 6 saplings हैं, तो मैं इनको इस तरह नहीं लगाने वाला, मैं इनको यहाँ पर एक यहाँ पर एक्चुअली लेक के किनारे होता तो ज़्यादा अच्छा होता, मगर यहाँ पे उस तरह की मुझे वेल सूटेबल जगह नहीं मिली, बट इट्स बेटर देन द लास्ट टाइम, क्योंकि वहाँ पर यार बहुत थोड़ी सूटेबल जगह थी, यहाँ पर बहुत सारी। और ये मैंने अभी नोटिस किया है, इस ये माइन है केव है क्या है मुझे कुछ नहीं पता, नहीं ये तो ट्रॉल है, आप फिक्र मत कीजिए आपको माइनक्राफ्ट में ऐसे बहुत ज़्यादा ट्रोल्स देखने को मिलेंगे। तो चलिए अब अपना घर बनाना शुरू करते हैं, एक्चुअली मैं अपना घर गांव से थोड़ा दूर बनाऊंगा क्योंकि ऑब्वियसली मुझे ज़्यादा स्पेस चाहिए, तो मैं अपना घर ये जहाँ पर बनाना चाहूँगा
हाँ यहाँ पर थोड़ी जगह भी ज़्यादा है, तो चलो बनाना शुरू करते हैं। और इस पार्ट को मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा। हाँ जी हर जगह क्रीपर जाने दो अंदर। टू साइड गेटवे है ये तो। अरे भैया बहुत खतरनाक है यार, यहाँ पे ट्रेंच भी है। कुछ ना कुछ तो मुझे करना ही होगा, अभी तो मुझे यहाँ पे सोना होगा। चलो चलो चल 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 लगा दे बैठ। जगह ही नहीं है। अरे कैसे तंग घर बनाए हैं, कैसे सोते होगे तुम लोग, शर्म कर लो कुछ। सोने अरे जाओ ना यार, अरे ना तंग करो, जाओ ना यार। माइनक्राफ्ट की दुनिया में ये कहाँ से आते हैं यार, किसका आइडिया था ये? अभी नीचे ड्रोन घूम रहा है, मैं क्या करूँ, तो ड्रोन भी तो नीचे ही है, खुले में सो रहे हैं। यहाँ पे कोई है तो नहीं, कोई नहीं, यहीं पर बिस्तर डाल लेते हैं, आज सो जाओ। अरे ये नहीं, ये दैट इज टू फार यार। कहाँ पर जाऊँ मैं। आई थिंक ये जगह बिल्कुल सूटेबल है। हाँ फाइनली सो गया। ओके तो चलो 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 अपने प्लैंक्स। ओए ट्राइडेंट वाला, बट मेरे पास शील्ड नहीं है, तो ट्राइडेंट वाले से कैसे भिड़ेंगे भाई। यार मेरे सामने थी, मैंने रियलाइज ही नहीं किया तू मारेगा मुझे। उसके पास शेल भी है। हाँ ट्राइडेंट। हेलो सर जी, ट्राइडेंट। अरे नहीं दिया यार, बहुत कंजूस है। अबे मर गया था तो ट्राइडेंट ही दे देता तू, तेरा क्या जा रहा था, तेरे कौन सा चाचा की जायदाद है वो। चलो छोड़ो यार चाचा की जायदाद को, हम चलते हैं यहाँ पर अपने घर की ओर। तो बहुत सारे ज़ॉम्बी यहाँ पे घूमने लग रहे हैं, जब इनको रोकना तो होगा यार, नहीं तो ये मुझे मेरा घर नहीं बनाने देंगे, और ये मैं बिल्कुल नहीं होने दूँगा। अब आओ, मैं थ्री ब्लॉक्स ऊंचा करूँगा। तीन ब्लॉक्स, Enjoy, make sure to leave a like, subscribe and I will see you in my next video. So, tab tak ke liye take care everybody and bye bye. Isko main next video tak complete kar lunga. Bye bye.